हेलो दोस्तों, मैं साओ साओ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक का हम चार्ट पढ़ेंगे। स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है, इस स्टॉक में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं। टाटा स्टील में काफ़ी दिन से गिरावट के बाद यहीं से रुका है और बुलिश कैंडल बना है। बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बना है। ये ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये कम से कम रेजिस्टेंस के पास में रुका है। तो आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ये ध्यान देना है पीछे का चार्ट देखना है, पीछे में क्या मूवमेंट दिया है। क्योंकि हम चार्ट पढ़ने से पहले पीछे का पेज देखते हैं, पीछे में क्या घट गया है उसको हम रीडिंग करके आगे का फ्यूचर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस रेंज से लेके इस रेंज तक दोनों रेंज 1250 से लेके 1300 तक, इसी रेंज में दो बार सपोर्ट जोन रुक चुका है, यहाँ भी सपोर्ट जोन रुक चुका है। तो आपको ये ध्यान देना है, तो हमको कहाँ एंट्री मारना है। अगर 1200 से आपको ये ध्यान देना है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1200 के आसपास रहेगा, क्योंकि 1200 से नीचे आने के बाद एक डाउनफॉल दिखाई देगा। ऐसे ही मंथली हम चार्ट देखेंगे, वही है वन डे कैंडल चार्ट है। अगर हम मंथली देखते हैं, मंथली भी देखिए बहुत बढ़िया बुलिश बना है, बुलिश के बाद यहाँ पर रुका है, तो 1315 के आसपास रुका है। अगर आखिरी है 1200 अगर डाउन ब्रेकआउट देते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 1100 लेके 1000 का बीच तक यहाँ का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद थोड़ा डाउनफॉल रहता है। अगर यहाँ तक मूवमेंट नहीं आता है 100-200 पॉइंट, आपको ध्यान देना है 1200 स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए। और आगे का अगर मूवमेंट आपको एंट्री पॉइंट चाहिए तो 1500 तक आप इंतज़ार करिए। 1500 ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ से बड़ा शार्प मूवमेंट मिलेगा और वहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बेसिक में बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कैसे देखते हैं चार्ट को। पहले इसी कैंडल जो रेड कैंडल का नीचे अगर ब्रेकआउट हुआ तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि वहाँ से डाउनफॉल आएगा। इसी रेड कैंडल का ऊपर वाला जो 1500 के आसपास है, वहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है वहाँ से शार्प मूवमेंट आएगा, कम से कम 1750-1800 बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा। तो वहाँ से आप 1500 तक आप इंतजार के लिए वहाँ से ब्रेकआउट देते इंतजार एंट्री पॉइंट मारिए। तो यही रहा टाटा स्टील का चार्ट। टाटा स्टील मेटल सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज शेयर है, तो आप वहाँ से यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाइए। ठीक है।